तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और आज मैं जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये है तरघर स्टेशन का वीडियो। और इस तरघर स्टेशन के वीडियो के लिए मैं शूट करने के लिए मैं कहाँ कहाँ गया। इस वीडियो में मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हूँ, बल्कि उस स्टेशन को दिखाया हूँ। मतलब इस स्टेशन का लाभ पब्लिक कब तक उठा सकते हैं, मतलब कितना बन चुका है, इस चीज़ को नहीं बताया हूँ कि कब तक स्टेशन का शुरुआत हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं तरघर स्टेशन। वीडियो को देख शुरुआत करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है धर्मपाल। और बने रहिए हमारे पिंकुस ब्लॉग में और देखते रहिए इस वीडियो को। बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अंत में। तो गाइस, मैं जहाँ पे अभी जिस रोड में चल रहा हूँ, ये ठीक हाईवे के बगल वाला रोड है। जो उस रोड में गाड़ी वगैरह बहुत चलता है, इसलिए मैं ये इसको सर्विस रोड कह सकते हैं। फिलहाल ये चालू नहीं है तो सर्विस रोड है, क्योंकि इसको एयरपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ये देख सकते हैं, यहाँ से जो लोड गाड़ी होता है उसके लिए यूज किया जाता है। फिलहाल ये उतना मतलब सर्विस रोड के जैसा यूज किया जाता है, उतना ज़्यादा आते नहीं हैं लोग। तो मैं इस रोड से अभी तरघर से करीब 1 किलोमीटर के दूरी में हूँ, और ये एयरपोर्ट वाला रोड है। तो चलिए, जैसे हम तरघर पहुँचेंगे वहाँ का कुछ वीडियो दिखाएंगे आपको, कुछ बातें बताने की कोशिश करेंगे कितना बन गया है तरघर स्टेशन। और मैं भी देखूँगा, क्योंकि वहाँ गया नहीं हूँ कभी तरघर स्टेशन, लेकिन तरघर स्टेशन कभी गया नहीं। आप लोगों ने देखा होगा और भी वीडियो, मतलब हो सकता है 2 महीना पहले 3 महीना पहले और भी पहले देखे होंगे। पर तो दोस्तों, मैं आपको जो ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये है उलवे नोड, जो ये देख सकते हैं। इसको मैं हल्का जूम कर दूँगा, ये देख सकते हैं, ये सेक्टर 2-3। और इधर देख सकते हैं, ये यहाँ पे सेक्टर 23। और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, ये सामने देख सकते हैं तरघर स्टेशन है, तो मुझे वहाँ जाना है। दोस्तों, ये जो रोड बनाया जा रहा है यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ गया है। ऊपर जाके देखेंगे ये रोड किस लिए है। हो सकता है, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है जैसे पार्किंग के लिए गया हुआ है, क्योंकि इतना चौड़ा रोड ऐसे पब्लिक के लिए तो नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये नीचे है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पार्किंग। और तरघर स्टेशन के ठीक बगल में ये देख सकते हैं, यहाँ पे हाईवे रोड है जिस, और इस रोड के ठीक उस साइड मैं था जो सर्विस रोड जैसा दिखा रहा था, उसके उस तरफ जो पीला कुछ कंटेनर दिख रहे हैं, उस तरफ मैं था। वहाँ से अभी यहाँ आया, हो सकता है ये पार्किंग के लिए जा रहा होगा। तो ऊपर जाके देखेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, ये मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पर। खास तरीके से ये इस एरिया को सजाया गया है, देख सकते हैं। अभी बना नहीं है तो इतना खूबसूरत दिख रहा है, और बनने के बाद कितना
ज़बरदस्त दिखने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं नीचे जाके भी दिखाऊंगा इस जगह को, तो अभी फ़िलहाल मैं ऊपर हूँ, तो ये देख सकते हैं मैं ऊपर। हो सकता है ये एरिया देख रहे हैं ये शायद पार्किंग के लिए है। आगे बढ़ के देखते हैं ज़रा। यहाँ पे का एरिया जो मैं यहाँ पे ऊपर घूमने के लिए आया था, जो एरिया दिखाया, स्टेशन दिखाया, ये कुछ पता नहीं चला, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पार्किंग एरिया ही होने वाला है। और चलिए ये वाला जगह देख लिए, और अगर कुछ गलती हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे वाला भाग देखेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अभी नीचे की तरफ चलते हैं, जो आपको दिखाया कि नीचे वाला भाग कैसा है, नीचे का जो स्टेशन का जो नीचे का तरफ का है, मतलब अभी तो मैं ऊपर का जो स्टेशन का जो ऊपर वाला भाग था, जो मुझे लगता है कि ये पार्किंग वाला एरिया होने वाला है। तो अभी नीचे चल के देखेंगे कितना तैयार हो गया है। तो लगभग मुझे लगता है जल्द ही ये स्टेशन तैयार हो जाएगा। और मेरे सभी दोस्तों भाइयों से एक निवेदन है छोटा सा, कि मैं इस वीडियो में किसी भी तरीके का गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हूँ, बल्कि मैं एक इस वीडियो को मतलब इसमें सफ़र करने वाले हैं लोकल ट्रेन में जो सफ़र करते हैं उनके लिए, कब तक ये इस मतलब तरघर स्टेशन में कब तक ये रुकेगा ट्रेन, और इसका लाभ उठा पाएंगे पब्लिक। तो किसी भी तरीके का मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। और फिलहाल दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से वीडियो भी काला आ रहा होगा, मुझे खुद डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं नीचे चल के कितना बना है। तो उसी साइड से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे का भी वीडियो दिखाएंगे। गाइस अभी मैं नीचे आ गया हूँ, और ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में भी काम चालू है, और लगभग ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्टेशन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी पब्लिक इस स्टेशन का लाभ उठा पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, बस स्टेशन को दिखाया, क्योंकि मैं भी यहाँ पे शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं भी इस स्टेशन में कभी आया नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि तरघर स्टेशन में जाके थोड़ा देखना चाहिए कि आने वाले कितने दिनों में इस स्टेशन का पब्लिक लाभ उठा पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पहले भी बताया कि इस वीडियो में मैं गलत तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, स्टेशन को थोड़ा दिखाया है, और कुछ ऐसा अगर तो बने रहिए। तो फिलहाल ये स्टेशन लगभग बन चुका है, और आशा है कि जल्द ही हम इस स्टेशन का लाभ उठा पाएंगे। तो अभी तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।